इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। भाग्य है कि सरकार इस इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना नहीं चाहती, अड़के बैठी है। इसमें करोड़ों लोगों के जीवन से संबंधित विषय है और हम वो एक एक करके बता सकते थे। स्टैंडिंग कमेटी में भी स्टेक होल्डर आते थे, फिर हम लोग भी बता सकते, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई स्टेक होल्डर आए, उनसे बात करें, रिप्रेजेंटेशन करें। उनको कल मालूम होगा, जब सारे देश में हड़ताल होगा तब उनको मालूम होगा उन्होंने जो किया वो सच किया या बुरा किया। और जो हालत उन्होंने ये फार्मर्स एक्ट, जितने भी तीन काले कानून थे, उसको उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के या जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भी नहीं भेजा, तो उसी के वजह से आज करोड़ों लोग वहां पर रास्ते पे बैठे हैं। और इसी की अरे रोज प्लेस, रोज एक एक लाख बोले तो करोड़ होता है प्लेस, रोज एक लाख बोले तो करोड़ों लोग होता है प्लेस, प्लेस, प्लेस। अरे आज मानिए सर, क्योंकि कभी बैठे नहीं ना रास्ते पे, वो तो जाने दो उसकी मुझे। अध्यक्ष आप प्लीज नहीं बोलिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अडेली सरकार है ना, ये रिजर्वेशन पे ध्यान दे रही है ना इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे रही है, या लोकल के लोगों को सपोर्ट करने का विचार नहीं कर रही है। इसीलिए सब बेचना चाहती है, जल बेचना चाहती है, पावर बेचना चाहती है, इंडस्ट्री बेचना चाहती है, बैंक्स बेचना चाहती है, सब बेचो 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 है उनका काम। इसीलिए आत्म तो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बुलडोज करना चाहते हैं। हम ये चाहेंगे, हमारी बात हम रखेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो बुलडोज करने का सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसे ही चला तो कल के दिन उनको भी परेशानी उठानी पड़ेगी, जिस ढंग से अब किसानों के लिए उनको उठाना पड़ रहा है। थैंक यू।